ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. आज है रक्षाबंधन का त्योहार. रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन को भाई याद आता है, भाई को बहन याद आती है, और इस प्रकार एक शुद्ध स्नेह के संबंध से दोनों ही एक दो को याद करते हैं और उस दिन यही चाहते हैं कि भाई मेरे नजदीक हो, बहन मेरे समीप हो. परंतु हम इस रक्षाबंधन की जो परंपरागत मनाने की विधि है आज उसको देखेंगे. रक्षाबंधन के आज के दिवस पर बहन बहुत सुंदर रूप से थाली सजाती है और विधि के अंदर तिलक देती है, फिर राखी बांधती है, अपने भाई का बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मुख मीठा कराती है, फिर भाई उनको पैर छू करके आशीर्वाद भी लेता है. कहां कहां बहनें अपने भाई की मंगल कामनाएं करते हुए आरती भी उतारती है और फिर उसके पश्चात भाई भी अपनी बहन को कुछ न कुछ सौगात के रूप में देता है. और इस प्रकार यह विधि पूरी होती है. परंतु क्या हम ये जानते हैं कि ये तिलक हम क्यों देते, राखी क्यों बांधते, और फिर इस प्रकार की इस विधि में हम इतने उत्साहित क्यों होते हैं, इतना उमंग दिल के अंदर क्यों आता है, और ये रक्षाबंधन का त्योहार इतना क्यों धूमधाम से और इतने उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है, क्यों इस दिन का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहता है. तो देखते हैं, पहले तिलक को लेते हैं. अक्सर तिलक जो होता है वो मांगलिक प्रसंग पर ही किया जाता है. तिलक अर्थात ही विजय की निशानी. या तो किसी युद्ध में पहले के जमाने में घर से कोई भी सदस्य जाता था तो उसको तिलक दिया जाता था. आज भी किसी भी मंगल प्रसंग पर प्रथम तिलक दिया जाता है. तो ये तिलक अर्थात विजय की निशानी है. अर्थात जिसको तिलक दिया जाता है उसके प्रति तिलक देकर के यह मंगल कामना की जाती है. अंदर से दिल से दुआ की जाती है कि वह जिस कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त हो. अर्थात जब विजय पाकर के भी कोई आता है तो उसे विजय श्री का तिलक दिया जाता है. तो तिलक पहले भी दिया जाता है ताकि वह विजय प्राप्त करके आवे, और आने के पश्चात भी वो विजयी होकर के आते हैं इसलिए भी उन्हें तिलक दिया जाता है. तो रक्षाबंधन पर बहनों को क्या करना है? बहनें अपने भाई को या जिसको भी राखी बांधने वाली है उनको जब तिलक लगाती है तो याद रखें, अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, दिल के अंदर, हृदय के अंदर, अंतरात्मा में बहुत ही शुद्ध संकल्प करें, शुभ संकल्प करें, और अपने उस संबंधी के प्रति, चाहे वो संबंध में कोई भी हो परंतु जो भी शुद्ध संबंध है, जिस भी शुद्ध संबंध से वह उसे तिलक करती है, तो वो तिलक करते समय यह सोचे
यह भावना लेकर के, यह शुभ कामना लेकर के, यह दिल की दुआ लेकर के और उसे तिलक करें कि वह अपने हर कार्य में सदा सफल रहे। विशेष उस दिन पर तो सफल रहे ही, परंतु सदा यह तिलक उसको विजयी बनावे और वो सदा विजयी तिलक लगाते हुए अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहे। तो यह भावना रखते हुए तिलक लगाएंगी बहने, उसके पश्चात बहने उनको राखी बांधती है। राखी भी बड़ी सुंदर सुंदर होती है और हर प्रकार के मटेरियल की, यानी किसी भी, जैसे सूती के धागे की भी होती है, सूती के कपड़े की भी होती है, या फिर चांदी, सोना या अन्य कोई भी धातु की बनी हुई राखी होती है। और उस राखी को बड़े प्रेम से बहन ये कोशिश करती है कि मैं जितनी अच्छी, जितनी कीमती, जितनी मैं मन पसंद, दिल पसंद जो भाई को बांधूं तो भाई भी खुश हो जाए। तो वो राखी को भी पसंद करते समय अति उमंग और उत्साह और अति स्नेह पूर्ण अपने भैया को याद करते हुए या उस व्यक्ति को याद करते हुए राखी बनाती है, खरीदती है और राखी लाती है। जिस स्नेह से राखी लाई जाती है उससे भी बढ़कर जब भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है तो कलाई जब भाई की आगे आती है तो बहन अति प्रसन्न होती है, क्योंकि यह एक स्वीकृति की निशानी है कि कलाई आगे आती है। जब भी किसी स्वीकृति के लिए किसी से भी हम वायदा करते या फिर कोई वचन लेते या फिर कोई विश्वास का दिलासा दिलाना होता है तो दोनों तरफ से हाथ आगे आते हैं। तो इस प्रकार कलाई आगे आती है और बहन भी वह राखी लेकर के उस कलाई पर बांधती है। बांधती है माना उस कलाई को बंधन में वह बांध लेती है। अब बंधन कौन सा? तो बंधन बड़ा मीठा है। जैसे संबंध के सभी संबंध यदि देखे जाए तो बहुत ही मूल में मीठे होते हैं, प्यारे होते हैं, स्नेह युक्त निभाने होते हैं। तो वह बंधन शुद्ध बंधन है, स्वच्छ बंधन है, निर्मल बंधन है और वो बंधन बांधकर आशा की जाती है कि उसकी रक्षा की जाएगी। अर्थात कभी भी किसी भी घड़ी बहन को आवश्यकता पड़े, उसके जीवन की विकट परिस्थिति में, दुखद परिस्थिति में, समस्या की परिस्थिति में, तो भाई सदैव उसकी रक्षा के लिए, उसकी मदद के लिए तैयार है। यह स्वीकृति बंधन में बंधते हुए और खुशी खुशी बंधन में बंधते हैं, बंधता है और यह स्वीकृति देकर वह प्रसन्न होता है। उसके बाद मुख मीठा कराया जाता है। मुख मीठा कराने की ये जो रस्म है वह जैसे भाई बहन के प्यार में अपने प्यार का इजहार बड़ी मिठास से स्नेह युक्त की जाती है। यदि स्नेह युक्त बोल आपस के संबंध में न बोले जाए, यदि कटु वचन बोले जाए, यदि कड़वे वचन बोले जाए, यदि और किसी प्रकार के अवगुण युक्त वचन बोले जाए तो उससे क्या होता है? सुनने वाले का दिल टूटता है। सुनने वाला कभी कभी उस वचन को इतना याद रखता है कि उस वचन से वो धीरे 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 अपने उस संबंधी से दूर 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 होता चला जाता है। तो वचन समीप भी लाता है तो वो वचन दूर भी ले जाता है। मीठे वचन, स्नेह युक्त वचन, प्यारे वचन,
संबंध की शुद्धता के वचन, निस्वार्थता के वचन समीप लाते हैं। और यदि उन वचनों के अंदर ये बातें नहीं होती तो वो वचन उनको दूर कर देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो संबंध को भी तोड़ फोड़ के रख देता है। संबंध टूटता है, संबंध टूटता है, स्नेह निकल जाता और विश्वास भी वहां से विदाई ले लेता है। तो इसीलिए बहने याद रखते हुए जब भी मुख मीठा कराएं तो सिर्फ मिष्ठान या मिठाई का जो भी पीस है या मिष्ठान की जो वस्तु है मुख में रखते हुए सिर्फ मुख ही मीठा न करें, परंतु दो मीठे वचन भाई के प्यार के प्रति जो कभी नहीं सुना पाए वो उसको अवश्य सुनाएं, क्योंकि उससे उसका मन प्रसन्न होगा, हृदय प्रसन्न होगा, आत्मा प्रसन्न होगी। क्योंकि ये त्योहार ही है प्रसन्नता का, उत्साह का, उमंग का, तो इसीलिए वह प्रसन्नता उसको अवश्य दे। और भाई भी अपनी बहन को अवश्य ही दो मीठे बोल बोलकर और उसकी हर परिस्थिति में कैसे वो उसका साथी बन के रहेगा, मददगार रहेगा, ऐसा उसको विश्वास दिलाते हुए दो मीठे बोल कहे, तो फिर और ही स्नेह में प्यार में चार चांद लग जाएंगे। उसके पश्चात भाई बहन को झुक करके आशीर्वाद चाहता है, झुकता है। झुकने का मतलब क्या? कहते हैं जो झुकता है उसको दुनिया झुकती है। तो हमेशा ही मन के अंदर हमारे झुकने वाले मीठे मीठे भैया, आप जब झुको तो सदा मन में यह संकल्प रखो कि कभी भी किसी भी प्रकार की के गुण, किसी भी प्रकार की विशेषता, किसी भी प्रकार की सत्ता की शक्ति, किसी भी प्रकार के उच्च पद की प्राप्ति या कभी भी किसी धन की उच्च प्रकार की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति कभी भी उसका गुमान नहीं करेंगे और सदैव ही नम्र चित्त रहेंगे, निर्माण रहेंगे और झुके हुए रहेंगे। किसके आगे? उन गुणों के आगे। गुण कभी भी हमें सिर उठाना नहीं सिखाता, गुण सदैव हमें झुकना सिखाता, निर्माणता सिखाता। अतः हमें भी गुणवान बन करके, निर्माण बन करके, झुक करके और सब में हमें प्रिय बनना है। क्योंकि जो नम्र होता है, निराभिमानी होता है, जो सदैव दूसरों का नम्र चित्तता से रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड रखता है, उनको सभी प्यार करते, उनको सभी सम्मान स्वतः ही देते, मांगने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो भाई ये आशीर्वाद लेने के लिए नम्रता धारण करें, क्योंकि जिसको झुक रहे हैं वो एक नारी है। नारी का अर्थ है न अरि, जिसका कोई शत्रु नहीं, अरि माना शत्रु। तो ऐसी जो बहन है उनको वो झुकते हैं, और वो जिनका कोई शत्रु नहीं होता वह शक्तिशाली होते हैं। नारी को वैसे भी शक्ति कहा गया है, तो जो भी उसके पास अपनी शक्तियां हैं, जो शक्तियों की हमें भी जीवन के अंदर पल पल आवश्यकता है, ऐसा भाई सोच करके उसके पैर छू करके और उससे वो वाइब्रेशंस प्राप्त करे, उसकी शुभ कामना शुभ भावना के द्वारा वह शक्तियों को अपने में भर ले और भर करके स्वयं को शक्तिशाली महसूस करे। और बहन भी उस समय उसमें वह शक्तियों को प्रवाहित करे। उसके पश्चात सौगात की लेन देन, तो ये लेन देन का त्योहार, बहन लेती भाई देता, तो लेना है तो लेना कैसे है? ऐसा न हो कि बहन के ऊपर कोई उपकार किया जाता है जो बहन लेती है। यदि उस वृत्ति से देंगे
तो वह देना देना नहीं, लेकिन ऐसे दे कि एक स्नेह का इजहार है। फिर वो स्नेह के इजहार में कोई चीज भाई न भी देगा तो भी वह बहन को अपना प्यार, अपना अपनी ममता, अपनी श्रेष्ठता, अपने गुणों की जो भी प्रवाहित करने वाली मीठी मीठी भावनाएं हैं, वह तो उसे दे ही सकता है। इसीलिए यदि भाई ने कोई भी स्थूल चीज नहीं दी, धन नहीं दिया, सौगात नहीं दी, तो भी उस बहन को ऐसा लगे कि मुझे भाई से जो चाहिए वो मिल रहा है। क्योंकि संसार में प्यार स्नेह सभी साधनों को एक तरफ कर देता है, उनसे भी बढ़कर यदि कोई संपत्ति है तो संबंध के स्नेह की संपत्ति। जो देना है और बहन को भी लेना है, और बहन जब वो झुकता है तो जो उसको आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथों को ऐसे करके और जो उसके प्रति शुभ भावना प्रकट करती है, तो यही शुभ भावना प्रकट करे कि सदा वो निर्विघ्न रहे, कोई भी विघ्न उसके जीवन में न आए, और यदि आए तो उसको प्रभु के द्वारा या उसके अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होकर उसे ऐसी मदद करे कि वो निर्विघ्न रहे, वह हर तूफानों का सामना करे, वो हर युद्ध में जीवन के हर छोटे बड़े मानसिक संघर्षों में भी वह नैतिकता को प्राप्त करे, नैतिक बल उसका बना रहे, आत्मबल उसका बना रहे, अंदर का उसका आत्मविश्वास बना रहे, और वो सदैव हर परिस्थिति का सामना करने के लिए और विजयी बनने के लिए सदैव तत्पर रहे, तैयार रहे और विजय पाकर ही रहे, अर्थात सफलता को पाकर ही रहे। बस यही बहन उनको आशीर्वाद करे और इस प्रकार इस त्योहार को संबंध में जो भी हो दोनों मिलकर के मनाएं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई बहन के संबंध का ही त्योहार नहीं, परंतु याद रहे किसी भी शुद्ध संबंध, किसी भी पवित्र संबंध, फिर वो संबंध माता पिता का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, दो मित्र का हो, किसी का भी संबंध हो। इसीलिए तो ब्राह्मण घर घर में आकर के और सभी को राखी बांध करके जाते हैं। इस बात को तो हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार को आप सभी इस प्रकार मनाएंगे तो देखेंगे आप कि इस बंधन में कितना सुख है, कितना आनंद आता है, कितना उत्साह और उमंग की प्राप्ति होती है, और दोनों तरफ से एक संतुष्टता का अनुभव दोनों ही पक्ष से दोनों ही करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी रक्षाबंधन का आज का यह त्योहार इस प्रकार मनाएंगे, और आप सभी के प्रति मेरी भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, और आप सभी के प्रति मेरी भी अंतरात्मा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति।